गुजरात से अयोध्या लाई गई 108 फीट की वह अगरबत्ती जिसका वजन हजारों किलो में बताया जा रहा है, उस अगरबत्ती में आज संत जनों की उपस्थिति में आग लगाया गया और उस अगरबत्ती को आज जला दिया गया। कहा जा रहा है कि इस अगरबत्ती के जलने से अयोध्या और आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के इलाके का पूरा माहौल जो है सुगंधित हो उठेगा और पूरा वातावरण सा है सुगंधित हो जाएगा। आए हुए लोग इस अगरबत्ती को प्रज्वलित कर रहे हैं और ये गुजरात के वडोदरा से आया है। लाया गया और जब अयोध्या इस अगरबत्ती को लाया जा रहा था बड़े एक वाहन पे लाद करके तो वडोदरा गुजरात। देखिए इस अगरबत्ती को प्रज्वलित करने के लिए छोटी अगरबत्ती बनाई गई है विभिन्न प्रकार के और श्रद्धालु डंडे में घी और बाती लगा करके इसको प्रज्वलित किया जा रहा है और घी डाल डाल करके इस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया जा रहा है। अयोध्या जी के पावन पवित्र भूमि पे गुजरात से लाया गया। महाराज जी आप लोग इस अगरबत्ती को लेकर कहां से आए? बड़ौदा से गुजरात। जनों की उपस्थिति में आज इस अगरबत्ती की इसकी लंबाई कितनी? अगरबत्ती के जलने से अयोध्या और आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे के तमाम इलाके जो है सुगंधित हो जाएंगे और चारों तरफ जो है एक खुशबू फैल जाएगी। यह अगरबत्ती गुजरात के बड़ौदा के श्रद्धालु भक्तों के द्वारा लगभग 4 माह से निर्माण किया जा रहा था। विगत दिनों इसे बड़े वाहन पे लाद करके बड़ौदा के गुजरात शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कराते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए अगरबत्ती को लाया गया अयोध्या। गुजरात के बड़ौदा से और अयोध्या तक की यात्रा पूर्ण करने में इस अगरबत्ती को लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा वक्त लगा और विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु भक्तों के द्वारा इस अगरबत्ती का दर्शन किया गया, पूजा अर्चना किया गया और चारों तरफ जो है जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। कहा जाता है कि गुजरात शहर जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अपना शहर है और गुजरात में राम भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। गुजरात शहर पूरा राम की भक्ति में लीन रहता है। वहीं के बड़ौदा शहर के श्रद्धालु भक्तों ने 4 माह से मेहनत किया। 4 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 108 फीट की लंबी अगरबत्ती जिसका वजन हजारों किलो में बताया जा रहा है, बड़े प्रयास के बाद इसका निर्माण किया गया था और इस अद्भुत और अलौकिक अगरबत्ती को अयोध्या जी लाया गया था। जब 22 जनवरी को भगवान के नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है अयोध्या पर और वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व अयोध्या की ओर निहार रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को जब मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े लोगों के करकमलों के द्वारा जब भगवान के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब पूरा विश्व जो है जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठेगा और लगभग 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने भूमि, अपने जन्म भूमि अयोध्या में पधारने जा रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश से विभिन्न प्रकार के उपहार भेजे जा रहे हैं। कई प्रकार के लोग जो हैं श्रद्धालु भक्त कई प्रकार के उपहार ला रहे हैं। कहीं से घी आ रहा है, कहीं से चावल आ रहा है, कहीं से सोना के मुकुट आ रहे हैं, कहीं से सोना के धनुष आ रहे हैं। लेकिन सबसे अलग हट के सबसे परे जा करके गुजरात के श्रद्धालु भक्तों ने 108 फीट लंबी हजारों किलोमीटर वो कौन सा है आप देखें कि आए हुए लोग इस अगरबत्ती को प्रज्वलित कर रहे हैं और ये गुजरात के बड़ौदा से आया है। आप लोग आज इसको पूरा अयोध्या जो है इस अगरबत्ती वाले वाहन को इस अगरबत्ती को देखने के लिए टूट पड़ा। देखिए इस अगरबत्ती को प्रज्वलित करने के लिए भी छोटी अगरबत्ती बनाई गई है और भगवान के लिए डंडे में घी और बाती लगा करके इसको प्रज्वलित किया जा रहा है और घी डाल डाल करके इस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया जा रहा है। दर्शन कर रही थी और इस अगरबत्ती पे पुष्प वर्षा कर रही थी। उसी बहुप्रतीक्षित अगरबत्ती में आज संत जनों महाराज जी आप लोग इस अगरबत्ती को लेकर कहां से आए? बड़ौदा से। आग लगाया कि आज इस अगरबत्ती को जलाएं। इसकी लंबाई कितनी? अगरबत्ती के जलते ही चारों तरफ पूरी अयोध्या में जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे और जयकारे इस कदर गूंजने लगे कि आकाश पताल और आसमान से चारों तरफ जो है धरती से चारों तरफ से जयकारे गूंजने लगे। चारों तरफ से लोग देव दानव गंधर्व नाग और किन्नर जय श्री राम जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण को गुंजायमान कर दिया। अगरबत्ती किस प्रकार से जलाई गई आप देखें, खबरों में बने रहें और यह अद्भुत अगरबत्ती है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। नमस्कार।